एक दो तीन चार और धमाका। देखिए कैसे चंद सेकंड में जोरदार धमाके से दहल गया ये पेट्रोल पंप। पंप पर ये खौफनाक हादसा कभी भी हो सकता है। पेट्रोल पंप पर थोड़ी जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। ये वीडियो उन लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी है जो पेट्रोल पंप पर जल्दबाजी में होते हैं, जिन्हें हड़बड़ी होती है। वो लोग जो जल्दबाजी में सुरक्षा का ख्याल किए बगैर गाड़ी दौड़ा देते हैं। देखिए कैसे पेट्रोल पंप पर जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, कैसे थोड़ी सी हड़बड़ाहट भयानक हादसे की वजह बन सकती है। अगली बार पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए जाने से पहले इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। इसे ध्यान से अपने दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही मौत को दावत दे सकती है। तस्वीरें दिल्ली के एक पेट्रोल पंप की है, आप भी जानिए कि आखिर माजरा क्या है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की। यहाँ फ्यूल भरवाते समय यह हादसा हुआ, जो पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हर दिन की तरह पंप पर लोग फ्यूल भरवा रहे थे, तभी एक क्वालिस गाड़ी फ्यूल लेने के लिए पंप पर पहुंचती है। पंप के कर्मचारी ने जैसे ही क्वालिस के फ्यूल टैंक को फुल किया, ड्राइवर गाड़ी दौड़ा देता है। उसे ख्याल नहीं रहता कि फ्यूल टैंक में अभी भी तेल डालने के लिए लगाया गया नोजल लगा हुआ है। क्वालिस रफ्तार पकड़ती है, फ्यूल टैंक में नोजल अटका हुआ है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, फ्यूल डालने वाली पूरी मशीन अपनी जगह से उखड़ जाती है। खतरे को देखते हुए कर्मचारी तुरंत तेल बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिजली से चलने वाली मशीन में स्पार्क होता है, नोजल से निकले तेल में आग लग जाती है और देखते ही देखते पंप पर धमाका होता है, आग के शोले उठने लगते हैं। पूरा तेल हुआ नहीं था, इतने ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी। मशीन खींची उसे रोकने के लिए, जैसे भगे मशीन नीचे गिर पड़ी, वो लेके गाड़ी भग गया। गाड़ी गिरने से, मशीन गिरने से स्पार्किंग हुई, आग पकड़ ली। आग लगते ही पंप पर अफरा तफरी मच जाती है। पंप के कर्मचारी दमकल विभाग को फोन करते हैं और दमकल की 6 गाड़ियां भी मौके पर पहुंचती हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन तब तक धमाके में 2 लोग घायल हो चुके थे। पेट्रोल पंप की जैसे कॉल मिली, 6 गाड़ियां रेस्क्यू हुई थी और यहाँ पे पता लगा एक आदमी इंजर्ड हुआ है, जिसको लेके चले गया, टाइमली कवर हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, पुलिस इस क्वालिस ड्राइवर को तलाश रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के 5 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज ब्राजील रवाना हो रहे हैं। 14 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होने वाले इस शिखर बैठक में एक विकास बैंक की स्थापना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी आज रात बर्लिन में गुजारेंगे। इसके बाद वो सोमवार को ब्राजील के शहर फोर्टाजेला के लिए रवाना होंगे, जहां ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की शिखर बैठक होगी। किसी अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंच पर उपस्थिति दर्ज कराने का मोदी के पास पहला मौका होगा। इस शीर्ष बैठक में पीएम मोदी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत और दुनिया के अन्य दूसरे नेताओं से मिलने का मौका मिलेगा। मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी ब्राजील की यात्रा पर जा रहा है। यूपी के मंत्री अभिषेक मिश्रा के बयान पर नहीं थमा हंगामा, कहा था सोते समय महिला पर पति तेजाब डाल दे तो क्या करें। उत्तर प्रदेश के मंत्री अभिषेक मिश्रा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगा सकते, ये भी कहा कि एसिड हमला ना हो ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। मलाला डे पर CII के कार्यक्रम में अभिषेक मिश्रा ने कहा कि हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता, घर में सोती महिला पर पति एसिड न डाल दे ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अभिषेक मिश्रा समाज की भूमिका पर बोलते बोलते ये सब कह गए। हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता गाँव में, और हर घर पे तय नहीं किया जा सकता कि उसका पति रात में सोती हुई बीवी पे एसिड न डाल दे। ये तो शायद स्टेट की पावर में नहीं है, तो समाज को बदलना। इस विवादित बयान के बाद राजनीतिक दलों ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सभी विपक्षी दलों ने इस बयान की निंदा की है। शर्मनाक है कि हमारे पढ़े लिखे समझदार राजनीतिक इस तरह की बातें करते हैं, और इस तरह की बातें करना तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि रेप का जो असली कारण है वो सुरक्षा की व्यवस्था ना होना, जो लड़कों के और मर्दों के दिमाग में औरत के प्रति जो मानसिकता है वो है। क्या रेप के लिए मोबाइल फोन जिम्मेदार है? आप भले ही इसे घटिया सोच माने, लेकिन कर्नाटक विधानसभा की रिपोर्ट में तो यही कहा गया है। जाहिर है विवाद तो होना ही है। रेप के लिए मोबाइल को जिम्मेदार बताने वाली और स्कूल कॉलेजों में मोबाइल पर बैन की सिफारिश करने वाली कर्नाटक विधानसभा के हाउस पैनल की रिपोर्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने रिपोर्ट को बेहुदा और मजाकिया बताया है। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री मेनका गांधी से जब इस मसले पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस घटिया बयान पर कुछ नहीं बोलना चाहती, रेप एक गंभीर मसला है। लेकिन बीजेपी के ही अनंत कुमार ने इस बात का समर्थन किया है कि कॉलेज में मोबाइल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि रेप के लिए मोबाइल नहीं, गंदी मानसिकता जिम्मेदार है। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा ने शुक्रवार को सदन में एक रिपोर्ट पेश करते हुए सिफारिश की थी कि स्कूल और कॉलेजेस में छात्रों के मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पैनल ने सिफारिश के पीछे वजह बताई कि मोबाइल की वजह से रेप और यौन शोषण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
मुरादाबाद के एसएसपी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष की धमकी, नागिन की तरह आंखों में उतार लिया है। वक्त का इंतजार करो, क्या है पूरा मामला रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद इलाके में उपद्रव मचाने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताने वाले एसएसपी धर्मवीर यादव को पार्टी ने अब खुलेआम धमकी दी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शनिवार को कहा है कि एसएसपी को बीजेपी ने नागिन की तरह आंखों में उतार लिया है, बस वक्त का इंतजार करो। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और ये मान के चले कप्तान, समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है करे, भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार। उन्होंने कहा है कि भगवान की मार धीरे से चिपकती है, कब चिपक जाए और परिवार के सदस्य पर चिपक जाए कोई कह नहीं सकता। एसएसपी सपा की चाकरी करते हैं तो करें, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने जो किया है वो भूलेंगे नहीं। वहीं इस बयान पर आजम खान ने तंज कसते हुए कहा है कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, आप जबान काट लें, हाथ पर काट लें, पर कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक लड़की की इज्जत की कीमत 2.5 लाख रुपए। वाकया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है, जहां पंच बैठे और भरी पंचायत में फैसला हुआ कि लड़की की इज्जत के बदले परिवार को 2.5 लाख रुपए दिए जाए। पंचायतें कैसे कानून को ठेंगा दिखाने लगी हैं, इसकी एक और बानगी सामने आई उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पंचायत ने एक नाबालिग लड़की की इज्जत की कीमत लगा डाली 2.5 लाख रुपए। जानकारी के मुताबिक यहां एक गांव में लड़के लड़की आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद हंगामा हो गया। गांव के एक स्कूल में पंचायत बैठी, जहां 100 से भी ज्यादा जुटे लोगों ने लड़की की आबरू की कीमत लगा डाली 2.5 लाख रुपए। इस दौरान लड़की से उसके घर वालों का पक्ष भी नहीं लिया गया, बस फरमान सुनाया गया कि सबको ये फैसला मानना होगा, जबकि लड़की और उसके परिवार वाले बलात्कार करने का आरोप लगा रहे हैं। हमें जबरदस्ती उठा ले गया, रात के ले गए, हम उठे रहे कि क्या करे, एक दस हमें ले गए, हम भाग हो गया, बलात्कार ना गए, फिर हमें बुला के ले गए, पकड़ के ले गए वो लड़का, सूरज नाम है। तब हम अपने मम्मी पापा डर के मारा, हम ना बताए, हम बताए करी तो हमें क्या बताई, तुम्हारे ना मरवाए दे। तो हम फिलहाल मीडिया में बात सामने आने से जहां पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कार्रवाई की और आरोपी को सलाखों के पीछे ढकेल दिया, लेकिन अगर यही तेजी पुलिस उस वक्त करती जब गांव में हुई पंचायत बैठी तो एक लड़की की इज्जत खुलेआम नीलाम न होती। इतने गुस्से में क्यों है दिल्ली? दिल्ली के नथुपुरा इलाके में मामूली बात पर दो गुटों में भिड़ंत हो गई। फिर क्या था, एक गुट ने दूसरे गुट की कार और रेडीमेड कपड़ों के शोरूम पर जमकर तोड़फोड़ की। टूटे गमले, जमीन पर पड़े पौधे और जमा हुई भीड़, ये निशान है इस फसाद के जो कुछ देर पहले यहाँ हुआ था। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के नथुपुरा इलाके में दो गुट आपस में भिड़ गए और इस भिड़ंत ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दोनों गुटों के करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला बोला। झगड़े की वजह अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सड़क पर खड़े एक लड़के को एक गाड़ी से थोड़ी सी चोट लगी, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। गाड़ी लेके आया इतनी तेज उसके पैर में लगी, उसने बोला भाई ये गाड़ी ऐसे मत चलाया कर, ओ गाड़ी कैसे चला रहा, ये बोला उसने, एक थप्पड़ मारा तो ऐसे इन्हें उठा के मोटरसाइकिल इसके पैर पर पटक दी। दोनों गुटों के बीच हुए इस बवाल ने कुछ मिनटों तक इलाके में सनसनी फैली रही। एक गुट ने दूसरे गुट के सदस्य की कार, रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में तोड़फोड़ की, जिससे शोरूम पूरी तरह तहस नहस हो गया। झगड़े में महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आईं। जैसे ही मैं आया ना तो यहाँ पे 10-15 लोग मतलब डंडे सरिया लेके जो है ना हमारे इस परिवार पे हावी थे। एक छोटी सी बात पर दो गुटों का आपस में इस कदर भिड़ जाना पुलिस के गले नहीं उतर रहा है। माना जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पहले से ही रंजिश रही होगी। देश की राजधानी दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों में बिजली के तारों की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि बिजली कंपनियां शिकायतों के बाद भी खुले तारों का कोई इंतजाम नहीं कर रही। सड़क पर जाम लगाए बैठे ये लोग बिजली कंपनी से नाराज हैं, क्योंकि बिजली कंपनी की लापरवाही के चलते जैन नगर इलाके के एक 20 साल के लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। अब जरा दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके की ये तस्वीर देखिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि बिजली कंपनियों की लापरवाही से कितने घरों के चिराग बुझ रहे हैं। नॉर्थ स्वरूप नगर में बिजली के तारों में फंसी है 15 साल के बच्चे की लाश, जिसे पुलिस वाले निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा छत पर खेल रहा था और इसी दौरान बिजली के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। जाहिर है राजधानी में बिजली कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। जैन नगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां खुले तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। बेटा सर मोबाइल पर बात ही कर रहा था तभी खींच लिया मोबाइल से, वाइब्रेशन से खींच लिया तार से, इसकी तार छुआ नहीं कुछ नहीं हुआ, खाली फोन पर बात कर रहा तारों के पास में। महज 10 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त को मार डाला, सनसनीखेज वाकया गाजियाबाद का, जहां 3 दोस्तों ने अपने एक दोस्त की सिर्फ 10 रुपए के लिए हत्या कर दी।
ये तस्वीर रवि की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। रवि के कत्ल के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके साथ रवि की दांत काटी दोस्ती थी। दोस्तों ने रवि को महज रुपयों के लिए मौत के घाट उतार दिया। वारदात गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की है, जहां की गलियों में रवि के कत्ल के बाद से सन्नाटा पसरा है। रवि के घर वालों के मुताबिक रवि अपने 3 दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। इस दौरान सभी शराब पी रहे थे और इसी बीच रवि का अपने दोस्तों के साथ 10 रुपए को लेकर झगड़ा हो गया। जुआ खेल लेते, जुआ में उनके ऐसे ही 10-20 रुपए में लड़ाई हो गई थी, ऐसे चक्कू मार दिया था, फिर आपसदारे मेरे भाई बचा नहीं पाए। 10 रुपए का मामूली झगड़ा कत्ल की वारदात में तब्दील हो गया। तीनों आरोपी दोस्तों ने मिलकर रवि पर चाकू से कई वार किए। घर वालों को घटना की जानकारी मिलती तब तक देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान रवि की मौत हो गई। ताश खेल रहे थे और शराब वगैरह भी वहाँ से बरामद हुई है मौके से। जो मृतक है उसके घर वालों के अनुसार ये बताया गया कि इनमें झगड़ा हुआ जो बड़ा, और मृतक का उस वक्त तो घायल अवस्था में था, लेकिन बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ये दास्तान दिल्ली की एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी को लेकर 1000 सपने देखे थे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस लड़की की जिंदगी को तबाह कर दिया। उसने मौत से हाथ मिला लिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक लड़की के सुसाइड का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सुसाइड से ठीक पहले आईपैड पर ये नेहा का आखिरी बयान है, क्योंकि वीडियो बनाने के चंद मिनटों बाद ही वो मर गई। नेहा के इस आखिरी बयान में बेइंतहा दर्द है, आंसू है, तड़प है, नफरत है, तो अपनों के लिए प्यार भी है। ये जानती है कि मौत के बाद मम्मी पापा भाई सब इसे याद करेंगे। यही वजह है कि नेहा ने मरने से पहले पापा को याद किया। मौत से पहले इसने मम्मी को याद किया। नेहा ने अपने छोटे भाई के लिए पैगाम छोड़ा। नेहा ने मरने से पहले इस वीडियो में 2 नाम का जिक्र किया है, पहला उमर जबकि दूसरा नाम शिखा नाम की लड़की का है। उससे मुझे बोला मर जा तू, और उसने मुझे बहुत उल्टा सुल्टा बोला, बहुत यूज किया, मुझे पिटली, बहुत 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 ज्यादा टॉर्चर किया, इसी वजह से मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हूँ। उमर नाम का वो शख्स रोहिणी सेक्टर 16 का ही रहने वाला है, जिसे नेहा ने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। अकाल की आड़ से मोदी सरकार परेशान है। सावन आया लेकिन पानी के लिए तरस रही है धरती। 24 जिलों में बहुत कम बरसात हुई। मोदी सरकार अच्छे दिन का आश्वासन दे रही है, लेकिन कमजोर मॉनसून से देश में सूखा पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। महंगाई की ऊंची दर के कारण आम जनता के साथ साथ सरकार भी पहले से ही परेशान है। कमजोर मॉनसून ने आम लोगों और किसानों से लेकर सरकार सबकी नींद उड़ा रखी है। पिछले 5 सालों में पहली बार देश में सूखे का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में अब तक 43% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में सूखे की स्थिति पैदा हो चुकी है, मिट्टी में नमी कम हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, सेंट्रल महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में सूखे की स्थिति दिख रही है। सूखे के कारण सिर्फ मौजूदा फसल ही नहीं बल्कि रबी की अगली फसल भी प्रभावित हो सकती है। सूखे के खतरे से चिंतित सरकार का कहना है कि वो इससे निपटने के लिए तैयारी कर रही है। फिजा की बार बार बदल रही रंगत के चलते हरियाणा में भी मॉनसून तगा दे गया। दिन भर सूर्य देव आग बरसाते रहे। सूखे खेतों में किसान बेसब्री से कर रहे हैं बारिश का इंतजार। पिछले कई दिन से लगातार आसमान से आग बरस रही है, तो वहीं लू का प्रकोप भी जारी है। यही हाल हरियाणा के करनाल में भी है, जहां तेज चल रही गर्म हवा ने पसीने छुड़ा रखे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने प्री मानसून की बरसात होने की संभावना जताई थी, लेकिन कोई संकेत नहीं मिलने से अब उसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के किसानों के सामने बिजली की कमी और धान की बुआई की चिंता सता रही है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह चला तो हमारा ठेका उतारना भी मुश्किल हो जाएगा। घर का गुजारा तो दूर की बात है, अब तो भगवान से प्रार्थना है कि बरसात हो। खेत खलियान पूरी तरह सूख चुके हैं, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो अकाल जैसे हालात बन जाएंगे। कई किसानों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूपी के गाजियाबाद में बिजली कटौती से परेशान लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। परेशान लोगों ने एक बिजली स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किया। आधी रात का वक्त और सड़कों पर नारे लगाते ये लोग। ये भीड़ प्रदेश सरकार से खफा है, क्योंकि गाजियाबाद में दिनों दिन बिजली आपूर्ति ठप होती जा रही है। सुबह 10 बजे से धरना दे रहे ये लोग सरकार से उतने घंटे बिजली मांग रहे हैं जितनी कागजों में दर्ज होती है। आपको बता दें कि दस्तावेजों के मुताबिक गाजियाबाद को 20 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। लोगों का आरोप है कि जब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है तब से गाजियाबाद में बिजली कटौती बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद के बिजली विभाग के सामने जमा ये भीड़ उस कदर नाराज है कि वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर बवाल नया नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यहां बिजली पर मारामारी मची है। क्या आपने कभी पुलिस वालों को भोजपुरी गानों पर नाचते देखा है? सिपाही से लेकर दारोगा तक को एक साथ एक गाने पर झूमते देखा है? अगर नहीं तो चले हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसा ही नजारा।
क्या सिपाही क्या दारोगा, सब मस्त हैं। भोजपुरी गानों की धुनों पर नाचते इन पुलिस वालों में ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर, सब अपने हुनर के हिसाब से झूम रहे हैं। ढोल की थाप पर थिरकते पुलिस वालों को देखकर यकीन कर पाना जरा मुश्किल है, लेकिन यकीन करना होगा, पुलिस वाले भी अच्छा डांस कर लेते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस डांस की वजह क्या है। ये तस्वीरें नालंदा की हैं और मौका बाबा मणिराम के 7 दिनों तक चलने वाले लंगोट मेले के आगाज का। गुरु पूर्णिमा के दिन परंपरा के मुताबिक जिला और पुलिस प्रशासन ने जुलूस निकाला। जुलूस बाबा के समाधि स्थल पहुंचा, जहां आला अधिकारियों ने बाबा को लंगोट अर्पित किया। मान्यता के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब बिहार शरीफ में मजहब के नाम पर समुदायों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, तब अयोध्या से बिहार शरीफ पहुंचे बाबा मणिराम ने शांति का संदेश दिया। बाबा ने लोगों को लंगोट पहनाकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए और तब से आज तक सभी धर्म के लोग बाबा को लंगोट चढ़ाते आ रहे हैं।